हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स एट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इवॉल्व ब्राउन फ्यूम्स ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। चार ऑप्शन आपको गिवेन है, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। ठीक है, सो नाइट्रेट एंड ब्रोमाइड, नाइट्रेट इज NO3- एंड ब्रोमाइड इज Br-, ये दोनों ही ग्रुप बी के एसिडिक रेडिकल्स हैं और दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को रिस्पॉन्ड करते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स से मैं कोई ब्रोमाइड का सॉल्ट ले लेती हूँ। लेट्स से आई एम टेकिंग NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। सो सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगा, सो यू आर गोइंग टू गेट NaHSO4 एंड HBr। ठीक है, अब ये HBr जो प्रोड्यूस हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो H2SO4 है इसके साथ में फर्दर रिएक्ट करेगा। फर्दर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Br2 H2O एंड SO2, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। Br नेगेटिव जो था HBr में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Br2 में, एंड H2SO4 में जो सल्फर था वो सल्फेट की जगह रिड्यूस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये जो Br2 होगा ये ब्राउन फ्यूम्स की तरह निकल के आएगा। ब्राउन कलर का होता है ना ब्रोमीन, ब्राउन फ्यूम्स की तरह निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा, सिमिलर वे में अगर मैं नाइट्रेट का कोई एग्जाम्पल ले लू, NaNO3 ले लू, इस पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो यहां से बनेगा NaHSO4 प्लस HNO3। अब ये जो HNO3 होता है ये डिकम्पोज कर जाता है थोड़ी देर में, तो ये डिकम्पोज करता है NO2, H2O, NO2 एंड H2O में डिकम्पोज कर जाएगा, एंड ऑब्वियसली O2 भी बनेगा इसके साथ में। ठीक है, तो O2 तो कलरलेस गैस होती है, बट NO2 जो होती है वो ब्राउन फ्यूम्स देती है। दोनों ही जो सॉल्ट होंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में ब्राउन फ्यूम्स दे रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।